बिहार में एक बार पूरी तरीके से फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है, एनडीए और जेडीयू की सरकार बन गई है। एनडीए की अलायंस पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी और उनके लीडर हमारे साथ इस समय मौजूद है चिराग पासवान जी। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से एकदम अचानक से एक सरप्राइज भी है सबके लिए सत्ता परिवर्तन होना, एनडीए और जेडीयू की सरकार बनी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही एक वेलकम स्टेप है। हम लोगों ने खैर हमेशा ये कहा था कि अगर नीतीश जी पुनः वापस एनडीए के गठबंधन में आते हैं तो हम लोग इस बात का स्वागत करेंगे, और मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने एक बहुत बड़ा कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने उठाया। निरंतर वो कहते रहे कि जीरो टॉलरेंस की उनकी पॉलिसी है अगेंस्ट करप्शन। ना सिर्फ उन्होंने इस बात को कहा, बट उन्होंने ये कदम उठाकर अपनी इन बातों को उन्होंने सिद्ध भी किया कि जब वो जीरो टॉलरेंस कहते हैं अगेंस्ट करप्शन, सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू वर्क। So we are happy that he is back in our alliance. Okay. लेकिन सर, अचानक से सत्ता परिवर्तन होने की क्या वजह है? बिल्कुल एकदम all of sudden नीतीश जी ने ये निर्णय लिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या क्या कारण रहे। लालू जी का इसमें एक अड़ियल और एक अहंकारी रुख जरूर एक कारण बना। जिस तरीके से उनके सुपुत्र, जिस तरीके से लालू जी खुद एक अड़ियल रुख पर थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद उनके परिवार का कोई सदस्य, खासतौर पर उनके सुपुत्र जो कि उप मुख्यमंत्री थे हमारे प्रदेश के, वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो जिस तरीके से ये रवैया रहा, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा नीतीश जी का इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। बट बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि ये अपने में एक बहुत ही वेलकम मूव है। मुझे लगता है एक प्रेसिडेंट सेट करेगा ये आने वाले समय के लिए, आने वाले नेताओं के लिए, आने वाली पार्टीज के लिए, कि जब जब आपके साथ, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बहुत प्रमुखता से कई बार कहा, और इस बार की सर्वदलीय बैठक में तो खास तौर पे उन्होंने इस बात को कहा कि राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचारी नेताओं को कभी संरक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नेता होते हैं जिनकी वजह से नेताओं की छवि खराब होती है, उनकी साख गिरती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश जी ने कदम उठाया, कहीं ना कहीं एक स्वच्छ राजनीति की छवि इसमें जरूर दिखती है। सर, अगर बात करें जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव जी की या फिर अली अनवर जी की, दोनों ही नाराज चल रहे हैं, दोनों ने जो नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है उससे काफी सहमत नहीं दिख रहा है। देखिए, इसमें मेरा भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, ये उनके दल का अंदरूनी मामला है। मुझे लगता है कि नीतीश जी पूरी तरीके से समर्थ है, सक्षम है वो दल के अंदरूनी मैटर्स को हैंडल करने। सर, आपकी पार्टी की बात करें, अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, तो जब बिहार में इलेक्शन हुआ तो उतनी सीटें नहीं मिल पाई थी जितनी की उम्मीद की गई थी, तो आफ्टर एनडीए और जेडीयू के अलायंस के बाद सरकार एक बार फिर से बन गई है, किस तरीके से काम करती दिखेगी, स्पेशली अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें? 100% मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है इस नई सरकार के बनने के बाद, और कारण भी है इस उत्साह का, क्योंकि हम लोगों ने एक 90 का वो दशक देखा, वो दौर देखा जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हत्या, लूटमार, अपहरण, डकैती सब चरम सीमा पे थे, अपराध पूरी तरीके से चरम सीमा पे था। उसके बाद पुनः वही दौर फिर देखने को मिलता है जब लालू जी कहीं ना कहीं एक सुपर सीएम की भूमिका में होते हैं, पुनः हमारा राज्य सिर्फ और सिर्फ गलत कारणों से सुर्खियों में रहता है। बट इन दोनों फेजेस के बीच में एक दौर ऐसा भी था जब जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 7 सालों के लिए हमारे प्रदेश में थी, उस दौर में सही मायनों में कार्य होते हुए दिखे, विकास की राह में गति देखने को हम लोगों को मिली। तो यही विश्वास पुनः जनता को दिलाता है कि उस दौर में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था, आज पुनः जब एनडीए की सरकार बनी है तो विकास, डेवलपमेंट हमारा इकलौता एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पे एजेंडा होगा। यानी कि फाइनल एक सवाल सर, अंतिम सवाल, यानी अब ये मान लिया जाए कि जो जंगल राज पार्ट टू की बात कही जा रही थी, स्पेशली बीजेपी के द्वारा ये कही जा रही थी, तो अब बिहार में जंगल राज बिल्कुल भी कायम नहीं होगा, नहीं हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो है इस बात की, पूरी तरीके से विश्वास है इस बात का, और जैसा मैंने कहा कि विश्वास वही दौर दिलाता है जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 7 साल तक सरकार थी हमारे प्रदेश में। उस वक्त ईमानदारी की बात है कि अपराध पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा था, नियंत्रण हम लोग पा पाए थे। तो पुनः जब वही सरकार है, सुशील मोदी जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर पुनः हमारे नीतीश जी हैं वहाँ पे, तो विश्वास है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी और अपराध पर लगा पाएगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी, एनडीए और जेडीयू की अलायंस पार्टी सरकार में आई है, और वाकई में जो स्थिति है बिहार की सुधरेगी। विजिलेंस विवेक के साथ मैं सुचित्रा मुखर्जी।